खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये बार बार कह रहे हैं कि आप आरोपों की राजनीति नहीं करेंगे, एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप एक तरफ तो ट्विटर पर खुलकर लड़ते हैं, महबूबा मुफ्ती को, गौतम गंभीर को ब्लॉक करना पड़ता है, एक नेशनल हीरो जो एक नेशनलिस्ट बातें करता है उसको महबूबा मुफ्ती पसंद नहीं करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि अब आप राजनीति में आ गए, अब आप गुड बॉय नहीं हैं, अब आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी कि टीम में नहीं सिलेक्ट हुए, चलो कोई बात नहीं अगली बार देख लेंगे, बट खेलो 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 जाके, अब हर चीज में तुमने ये गलत किया, तुम्हारा ये काम ठीक नहीं था, तुम्हारा वो स्टेटमेंट ठीक नहीं था, अब उस दौर में आप आ चुके हैं, अब आप जिसको कहते हैं ना कि दलदल में कूद चुके हैं, अपने कपड़े गंदे होने ही होने, दूसरे के कपड़े तो है ही है गंदे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चीज को आप कैसे देखते हैं जब इस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी जाते हैं दूसरी पार्टियों के नेताओं के लिए? आप चाहें तो मैं लिस्ट गिना सकता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल इस तरीके की राजनीति को नहीं एंडोर्स करता, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। मेरे लिए ये चीज बड़ी क्लियर है। आप जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरीके का ट्वीट किया था वो बहुत शर्मनाक था, जिसमें उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान वालों मिट जाओगे। तो इस तरीके के ट्वीट के बाद आपको इस तरीके के ही रिएक्शन मिलेंगे। एक तरफ आपने उमर अब्दुल्ला जी, अगर उनको देखो कि उन्होंने बोला कि हमारे को सेपरेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो इस तरीके के जब आप ट्वीट करते हैं या इस तरीके की आपकी सोच होती है तो फिर आपको रिएक्शन भी उसी तरीके के मिलते हैं। जहां तक आपने बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी में से भी किसी भी नेता ने कोई गलत चीज़ बोली हो या बैरियर क्रॉस किया हो, तो मैं उसको भी बिल्कुल एंडोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज राजनीति में जैसे मैंने आपको बोला कि एक डेक्यूरम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप युवाओं को इस तरीके की राजनीति करने को करके दिखाएंगे तो शायद उनको भी यही उनके लिए भी यही एक चीज़ मिलेगी कि वो भी फिर दे कैन क्रॉस एनी बैरियर। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि डेक्यूरम मेंटेन करो, आप युवाओं को बताओ कि हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने आए हैं, और तभी शायद अच्छे लोग राजनीति में जुड़ेंगे भी। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं जुड़ना चाहते। शायद ये रीज़न है कि कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसी चीज़ें सुनना नहीं चाहता, शायद जो मैंने पहले 15 घंटे में सुनी। 15 घंटे में कभी नॉमिनेशन कैंसिल करने की बात हुई, कभी FIR लॉन्च किया क्योंकि मैं तो बिल्कुल नया था इसमें, और कभी बोला कि मैं 240 दिन देश से बाहर रहूँगा। तो अगर आप किसी भी एजुकेटेड आदमी को ये सडनली ऐसे आरोप लगाना शुरू कर दोगे तो वो उसको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि क्या ये फील्ड मेरे लिए बनी है। और हम हमेशा बात करते हैं बंद कमरों में कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, लेकिन अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाने के लिए हमारे को भी एक तरीके का डेक्यूरम मेंटेन करना कि हम दूसरे की कैसी इज्जत करते हैं वो बहुत जरूरी है। आपकी सिचुएशन को देख के मुझे क्रिकेट के दो लफ्ज याद आ रहे हैं कि जब आप किसी अननोन मैदान पर एक नई विकेट पे खेलते हैं जाके, और सामने कोई नया सा बॉलर हो जिसने पहली बार आपको बॉलिंग डाली हो, और पहले ओवर में क्योंकि आप तो ओपनर हैं लगातार बाउंसर्स मारे या पैर पे मारे और तेज गेंद फेंके, तो आपको शुरू में टाइम लगता है एडजस्ट करने में, लेकिन आप 2 ओवर 3 ओवर 5 ओवर जब खेल लेते हैं तो आप उस माहौल में अक्लमेटाइज हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब आप एडजस्ट हो गए हैं ना गंभीर, अब आप राजनीति में रहेंगे ना गंभीरता से? देखिए, ये तो आपको वक्त ही बताएगा कि मैं एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ, बट होपफुली चैलेंज बहुत बड़ा है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होंगी, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे हमेशा रहती हैं जिस फील्ड से आप आ रहे हैं, प्लस जिस जो आप प्रोमिसज करेंगे, तो किस तरीके के उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूं वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और वक्त बताएगा कि मैं कितने समय तक रहूंगा। आप दिल पे हाथ रख के बात ईमानदारी से बताइएगा, मैं तब से आपको ममता जी के बारे में पूछ रहा हूं तो आप बहुत संभल के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैंने आप अरविंद जी के बारे में तुरंत बोल देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की, तो आपको ये मैंडेट मिला है कि आपको हमेशा टारगेट? नॉट एट ऑल, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मुझे पता है किस तरीके से दिल्ली 4.5 साल में दिल्ली के लोगों ने भुगता है। मैं बंगाल में नहीं रहा, मैं 4.5 साल मेरे CM ममता बनर्जी नहीं रही, या फिर कोई और नेता नहीं रहा, राहुल गांधी मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जी से। तो मुझे लगता है कि 4.5 साल में मुझे पता चला है कि किस तरीके से काम हुआ है दिल्ली में या नहीं हुआ, इसलिए मैं शायद उनके बारे में बोलता हूँ, बाकी किसी और के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि बाकी और के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, और जैसे नॉलेज होगी मैं जरूर बोलूंगा। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लड़के हैं, दिल्ली में पले बड़े हैं, शीला दीक्षित एज ए चीफ मिनिस्टर कैसी थी दिल्ली के लिए कंपेयर टू अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल काम हुआ है, और काफी काम किया भी है, 15 साल जब शीला दीक्षित जी रही काम बिल्कुल हुआ है, और जैसे मैंने आपको बोला 4.5 साल पहले बीजेपी ने भी बहुत काम किया है, शीला दीक्षित जी ने भी बहुत काम किया है। मैं इसमें बिल्कुल ना नहीं करना चाहता कि मैं सिर्फ यहाँ पर बैठ के बाकियों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से काम 4.5 साल पहले हुआ था और जिस तरीके से काम पिछले 4.5 साल में हुआ है, जमीन और आसमान का फर्क है।